दोस्तों कि आपके पैन कार्ड में आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पैन कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक या चेंज कैसे करें। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदिल, आप देख रहे हैं टेक्निकल आदिल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर के क्रोम ब्राउज़र में आ जाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए TIN10NSDL। तो फ्रेंड, जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने देखिए नंबर फर्स्ट पर एक वेबसाइट आएगी जिस पर लिखा होगा tinnsdl.com। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके के पेज पर पहुँच जाएंगे। अब फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये आपके सामने कुछ पैन कार्ड से रिलेटेड ऐड आएंगे, इसको आप कट कर दें। तो दोस्तों, आप इस तरीके की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आना है और आपके सामने देखिए इस तरीके का ऑप्शन आएगा जिस पर लिखा होगा क्विक लिंक्स। अब यहाँ पर देखिए, इधर आपको एक फ्री लाइन दिख रही होंगी, आपको इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पैन न्यू फैसिलिटी, इस पर आपको टैप करना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने नंबर फर्स्ट पर एक ऑप्शन आएगा पेपरलेस एड्रेस अपडेट इन पैन। फ्रेंड्स, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये पेज आपके इस तरीके का होगा। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है दिस फैसिलिटी इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी ये बिल्कुल फ्री। अब फ्रेंड्स, आपको नीचे आना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर भी डालना है, इससे आपका आधार कार्ड भी, अगर आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो आधार कार्ड भी इसमें लिंक हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालना है और जो आप मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, उसको यहाँ पर डाल देना है। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद नीचे आना है, ये कैप्चा जो डला है इस कैप्चा को यहाँ सही फिल करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर फ्रेंड्स, अगर आपके सामने ये कैप्चा जो है आपको अब समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर एक तीर का आइकन दिख रहा है फ्रेंड्स, इस पर आपको क्लिक करना है तो कैप्चा दूसरा आ जाएगा, वो कैप्चा यहाँ डालकर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड देखिए, आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा वन टाइम पासवर्ड। अब नीचे आप को एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विद eKYC, इस पर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए सर्चिंग चलने लगेगी। अब देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया है OTP has been sent to your registered मोबाइल नंबर, यानी जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर अब एक OTP आएगा, ना कि जो अभी आपने लिंक करना चाहो उस पर, अभी उस पर नहीं आएगा, वो बाद में आता है। जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर अब एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सही फिल कर देना और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर फ्रेंड्स आपको OTP नहीं आया तो यहाँ पर रीजनरेट OTP का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये OTP केवल 10 मिनट तक ही वैलिड होता है, 10 मिनट के बाद आपको दोबारा OTP मंगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर OTP डालते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके के पेज पर आ जाएंगे। अब आपके यहाँ पर देखिए जो एड्रेस लिखा है आपके आधार कार्ड पर, वो पूरा इस पर आ जाएगा। अब नीचे आपको आना है और यहाँ पर वेरीफाई लिखा है, इस पर वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके के पेज पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड, जो आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाली है उस पर एक OTP आएगा, दोनों OTP को डालना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, आपको एक नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा वेरीफाई एंड गेट OTP, इस पर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लिख कर आ गया है, मतलब 3 अटैम्प्ट में आप करेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ओके पर आप क्लिक कर दीजिए। अब फ्रेंड देखिए, आपके मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी दोनों पर OTP भेज दिया गया है, तो आप दोनों पर OTP को डालिए और वैलिडेट पर क्लिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम चलिए मोबाइल नंबर और ईमेल पर दोनों पर डाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ईमेल का OTP आ चुका है, ईमेल का OTP है 9703994। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ईमेल का डाल लेते हैं और फिर मोबाइल नंबर का डालकर वैलिडेट पर क्लिक करते हैं।
तो फ्रेंड जैसे ही आप OTP डालकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके के पेज पर पहुंच जाएंगे। अब आपको यहां पर देखिए इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिस पर लिखा होगा जनरेट एंड सेव प्रिंट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड आप इस तरीके के पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि आपका सक्सेसफुली मोबाइल नंबर एड्रेस अपडेट हो चुका है, आपका आधार कार्ड भी इससे लिंक हो चुका है, आपको यहाँ पर एक रिसीप भी मिल जाएगी, आपको रिसीव होगी, आप इसको PDF में सेव कर लीजिए और रख लीजिए। अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है, वापस से उसी पेज पर आ जाना है और नीचे स्क्रॉल करके आना है। तो फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिलेगा, फिर से देखिए आप यहाँ पर ऑनलाइन पेन सर्विस पर क्लिक करेंगे पेन न्यू फैसिलिटी पर, तो आपको एक नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा रिप्रिंट ऑफ पैन कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड से रिलेटेड वो मतलब लिंक हो गया है कि नहीं हुआ है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर लिखा है फ्री ऑफ कॉस्ट है ये भी, तो आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल दीजिए और उसके बाद आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए, फिर डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पर टिक कर दीजिए और कैफे डाल के सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड देखिए आप इस तरीके के ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर आपके पूरे पैन कार्ड की डिटेल्स आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर चुनना है कि आप अपने किस पर OTP मंगाना चाहते हैं, मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर, तो फ्रेंड यहाँ पर चूज़ कर लीजिए और जनरेट OTP पर क्लिक कर लीजिए। तो फ्रेंड देखिए मोबाइल नंबर मेरा लिख कर आ गया है और OTP इसमें दिखा रहा है 10 मिनट के अंदर आप मतलब 10 मिनट के लिए वैलिड होगा। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर फ्रेंड्स अगर OTP आ जाए तो यहाँ पर OTP डालकर फ्रेंड्स वैलिडेट पर क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए OTP मेरे मोबाइल पर आ चुका है, तो यहाँ पर फ्रेंड डालते हैं जैसे 69587 और डालकर वैलिडेट पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड देखिए मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है, यानी मेरा मोबाइल नंबर इससे लिंक हो गया है। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर आधार कार्ड मतलब पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए हमें पेमेंट देना होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहीं तक की प्रोसेस दिखाऊंगा। मैंने आपको बताया कि आपको पैन कार्ड ईमेल आईडी कैसे लिंक करना है, तो मैंने आपको लाइव प्रूफ करके दिखा दिया कैसे करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी पता लग सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।